अब 1 मिनट हो चुका है, ये इसमें भी सप्लाई है। हाय दिस इज जगाम परवेज, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यू नो अपडेट जो आपका XUV 700 के रिलेटेड है, सो प्लीज कम। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस तरह के काफ़ी सारे वीडियोस के अलर्ट आपको आते रहेंगे। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अभी आपको पता है XUV 700 में हमारे चैनल पे भी हमारे कई साथ कई सारे इश्यूज आए थे। काफ़ी लोगों ने ऐसे आइडेंटिफाई किया कि ठग की आवाज़ आती है सस्पेंशन के तरफ से, बैटरी की इश्यूज आती है, उसके बाद कैनिस्टर की प्रॉब्लम आती है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स, हैंग होने की प्रॉब्लम आती है। तो इन सब का सोल्यूशन क्या है, स्टेप बाय स्टेप मैंने कुछ एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, वो जाकर के आप चेक कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ एक जो मिस्ट्री बनी हुई थी अभी तक, वो ये था कि आखिर इसकी बैटरी इतनी डाउन क्यों हो रही है, क्या इसके पीछे रीजन है। मैंने 2-3 बार मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया, तीन बार बैटरी डाउन हुई। मैंने गाड़ी को पार्क किया अपने पार्किंग एरिया में, उसके बाद 2-3 दिन बाद मैं देख रहा हूँ तो बैटरी डाउन है, स्टार्ट कर रहा हूँ तो स्टार्ट नहीं हो रही, तो बैटरी जा कहाँ गई। ओके, तो ये एक बड़ा सवाल आया हुआ था, उसके लिए हमने असेसमेंट भी करवाया। असेसमेंट में शोरूम वालों ने बहुत मेहनत किया, उसके बाद असेस किया, उसने बताया कि कोई इसमें फॉल्ट मुझे नहीं दिखा, मे बी आपके डैशकैम जो आपने लगाया उसमें फॉल्ट, बट दैट वाज नॉट कन्विंसेबल। मैं समझ सकता हूँ कि मैंने ट्रायल किया था बीच में, एक डिफरेंट मॉडल का एक सस्ता ट्रायल किया था, तो उसमें ऐसे इश्यूज थे, डेफिनेटली उसको आउट कर दिया मैंने। बट ये एक फुल रीजन नहीं होता है, जो आपको बैटरी का जो एम्पियर होता है 65 एम्पियर का बैटरी होता है, तो 65 एम्पियर को अगर आप कन्वर्ट करें तो क्या 2 दिन में डाउन हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसके लिए मुझे भी एक थोड़ा सा ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर द रीज़न। तो मैं जस्ट ऑल ऑफ ए सडन उसी में असेसमेंट मैंने खुद से ही किया, आफ्टर शो मैंने खुद से असेसमेंट किया कि इसकी पावर एक्चुअल में जा कहाँ रही है। तो हमारे फाइंडिंग के हिसाब से मैंने ये देखा कि एक्चुअल इशू कुछ और है। एक्चुअल में ये कार अगर आप देखेंगे ना, तो इस कार में फुल्ली कंट्रोल आपके इंफोटेनमेंट से है, टोटल कंट्रोल। इसके बारे में पूरे टेक्निकल वीडियो, क्या प्लेटफॉर्म है ये, ऑल टुगेदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। तो इसमें ऑटोमेशन भी होता है, नेक्स्ट जेन कार आप बोल सकते हैं। तो एवरीथिंग इज कंट्रोल बाई सेंट्रल सिस्टम विच इज़ देयर, ये इनको सिस्टम बोलते हैं उसको, उसकी सारी डिटेल में आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा। करने का मतलब ये टोटली पूरी गाड़ी जो है ये सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड है। ओके, तो अगर सॉफ्टवेयर में कोई भी इशू आया तो आपका किसी भी तरह के इश्यूज आ सकते हैं अदर देन हार्डवेयर। अभी ये चूंकि हार्डवेयर, इसके अंदर जितने भी हार्डवेयर भी कंट्रोल्ड बाय सॉफ्टवेयर है। तो अगर BMS की बात करें, BMS मतलब बैटरी मैनेजमेंट सर्विस, मॉड्यूल का जो है जो बैटरी को मैनेज कर रहा है, उसके लिए ये जो अभी अपडेट आया था एंड्रॉयड ऑटो जिस अपडेट के साथ आया, उस अपडेट में ये आया था कि डीप स्लीप को इनेबल किया गया था, क्योंकि काफ़ी लोगों ने रिपोर्ट किया था कि बैटरी ड्रेन की इशू। तो उसके लिए कंपनी ने अच्छा स्टेप लिया, कंपनी ने 2 चीज़ें की, कंपनी ने रिफ्लेशर ऑन किया। रिफ्लेशर में क्या होता है कि जब आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं स्टिल से, तो ऑटोमेटिक मेमोरी रिफ्रेश होता है, तो जो हैंग की इशू था वो एक थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट उसमें हुआ है। दूसरी चीज़ ये है जो इम्पोर्टेंट है, जो अपडेट हुआ है उसमें ये है कि आपका जितने भी डोर के हैंडल्स हैं, अगर आपके फ्लैश डोर हैंडल इलेक्ट्रिक वाला है और डिक्की है, जितने भी ऑटोमेटिक कंट्रोल, तो आप सिंगल उसको टच करते हैं तो ये खुल जाता है, फिर टच करते हैं तो बंद हो जाता है, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद 20 सेकेंड लेट से, तो उसके बाद ये फुल्ली डीप स्लीप मोड में आ जाता है। करने का मतलब अगर आप अपने घर चले गए और वापस 2 दिन बाद सपोज आए गाड़ी को अनलॉक करने के लिए, आपने टच किया एक बार में नहीं खुलेगा, दोबारा किया नहीं, तीसरी बार किया तब खुलेगा। तो ऐसा क्यों, ये अच्छी बात है, ये डीप स्लीप मोड में जाता है, ये मोबाइल में भी ऐसा होता है, सो विच इज़ गुड थिंग। लेकिन एक्चुअल में ये डीप स्लीप जाने के बाद भी बैटरी खा गई है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है मैंने फाइंड आउट किया है। आइए मैं आपको फ्यूज बॉक्स में ले चल के दिखाता हूँ, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि डीप स्लीप होने के बाद भी पावर सप्लाई हो रही है, जो कि पहले कट ऑफ हो जाती थी, पहले 20 सेकेंड के बाद इंटायर सप्लाई कट ऑफ हो जाती थी। सो इसको सबसे पहले हम ये खोल लेंगे,
आगे पीछे इसको हम खोलेंगे पहले, इसके बाद ये फ्यूज बॉक्स बाहर आ जाएगा। मैंने इसका कुछ स्क्रूज ऑलरेडी ढीला करके रखा है, बिकॉज मैं जस्ट इसको फाइंड आउट किया तभी मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूं, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। अभी ये रबड़ है, इस रबड़ को ऐसे हाथ से ये करके और धीरे धीरे स्लाइड आउट करेंगे। ओके, इसको ज़्यादा ताकत नहीं, धीरे धीरे लगाएंगे, ये खुल गया, ये निकल गया। और ये ऑलरेडी हमारा जो है स्क्रू इसका ढीला किया हुआ है, और इसको मैं नीचे कर दूंगा। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, ये रहा फ्यूज बॉक्स XUV700 का, ये आप देख सकते हैं। और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी हमारे पास एक टेस्टर है, ये टेस्टर है जिससे कि हम सप्लाई टेस्ट करेंगे, और 20 सेकेंड या एक मिनट तक मैं गाड़ी को पूरी तरह से लॉक करके अंदर बैठा रहूँगा। और ये सिनारियो मैंने मल्टीपल तरीके से ऑलरेडी टेस्ट करी हुई है, तो ये प्रूव्ड है, इसलिए मैं ये अपना फाइंडिंग आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अभी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये टेस्टर से टेस्ट करने के लिए आपको इसका जो निगेटिव टर्मिनल है ये बॉडी से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ये मैं कनेक्ट करता हूँ अभी। अब ये बॉडी हो गया, इसको इस तरीके से कनेक्ट करेंगे ताकि किट लगने में दिक्कत ना आए। ओके, और अब मैं इसको चेक करता हूँ कि क्या ये वर्क कर रहा है, बॉडी में निगेटिव आ रहा है क्या। तो इसके लिए कुछ नहीं, किसी भी फ्यूज पे लगा के देखेंगे, तो ये है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसमें गेट को लॉक करता हूँ पूरी तरह। गेट लॉक हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब आ गया, गेट लॉक होने के बाद जो आता है, और आपका आइडल मोड में चला गया। अब इसके बाद की से इसको गेट को पूरी तरह से लॉक कर देता हूँ। ओके, अब ये देखिए, ये भी लॉक हो गया, ये भी फ्लैश डोर भी लॉक हो गया, सभी कुछ आपका लॉक हो गया। अब मैं गाड़ी में बैठा हूँ, अब थोड़ा टाइम का वेट करेंगे। अब लॉक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं टाइमर ऑन करता हूँ, इसमें टाइमिंग चेक करेंगे। 20 सेकेंड के बाद ऐसा ये बोला जाता है कि ये कट ऑफ हो जाता है, तो अभी टाइमर चलने देते हैं। अभी देखिए ये 14 सेकेंड हो गया है, और अभी उसके बाद अभी जब तक मैं आपको दिखाता हूँ सेटअप अपना, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा टेस्टर है, ऑटोमोबाइल टेस्टर, जो कि आपके बैटरी से ये टेस्ट होता है, कंटिन्यूटी चेक होता है बेसिकली। तो एक मस्ट हैव एसेसरी है जो मैंने एक अच्छा दिख गया मुझे दिया। बॉडी में कहीं पर भी एक पॉइंट इसका कनेक्ट करेंगे, दूसरा कहीं पर भी सभी पॉजिटिव लगाएंगे, तो आपका कंटिन्यूटी पता चल जाएगा वहाँ से करंट आ रहा है कि नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं मैं अभी ऑलमोस्ट 50 सेकेंड हो गया है। ओके, चलिए थोड़ा सा और ये 1 मिनट कर लेते हैं, कि 1 मिनट में तो डीप स्लीप ऑटोमेटिकली जाना ही चाहिए, ठीक है। अब 1 मिनट हो चुका है, अब आइए कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए अभी मैं वन साइड से दिखाऊंगा, ये सारे राइट साइड के जो सेक्शन हैं ये सारे डिसेबल्ड हो गए हैं, विच इज़ गुड। ओके, ये सारे डिसेबल्ड है, बट इसमें करंट है, तो ये मेन सप्लाई हुआ। वो फ्यूज बॉक्स में आप देखेंगे तो एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फ्यूज किस काम के लिए है। 20 एम्पीयर का है, इसमें भी सप्लाई, इन दोनों में सप्लाई, विच इज़ फाइन। अब ये भी कट ऑफ हो गया है राइट हैंड साइड का। उसके बाद अगर मैं इधर नीचे आऊँ तो नीचे ये सब इग्निशन का, मल्टीपल इग्निशन और आपका प्लस डोर हैंडल, इन सब का है, तो ये सारे कट ऑफ है, विच इज़ परफेक्टली फाइन। तो आफ्टर 20 सेकेंड वो सारे ऑफ हो जाने चाहिए। अभी देखिए मैं गाड़ी लॉक है हमारा, ऑलमोस्ट 1 मिनट हो चुका है, और अभी आप देख पा रहे हैं सभी में लाइट्स आ रहे हैं, राइट। यहाँ भी देखिए। ये देखिए, यहाँ पे देखिए कट हो गया है। अभी देखिए गाड़ी लॉक है, इसका ये प्रूफ है कि आप जब ये लॉक अनलॉक दबाएंगे तो सारे कुछ भी कीज़ नहीं काम कर रहा है, मतलब ये सारे कीज़ डिसेबल्ड हैं, तो ये लॉक स्टेटस है।
ओके तो गाइज ये एक छोटा सा एसेसरीज था जो मैंने फाइंड आउट किया, एक 150 रुपये के आसपास में ही आ जाता है, कंटिन्यूटी चेक करना था सिर्फ। और उससे मुझे ये पता चल गया कि एक्चुअल में ये जो बैटरी की जो इशू है XUV 700 में, ये इशू सॉफ्टवेयर का इशू है। और आज हमने ये जो हमने टेस्टिंग की है, इस टेस्टिंग के थ्रू ये प्रूव हो गया है कि ये BMS का इशू है और BMS कंट्रोल है टोटल सॉफ्टवेयर से। सो ये जो बैटरी मैनेजमेंट है XUV 700 का वो प्रॉपर नहीं है। ऑल दो मैंने ये टेस्टिंग पहले भी किया था जब हमारा ये अपडेट नहीं हुआ था, जब एंड्रॉयड ऑटो का जो अपडेट आया उस अपडेट के पहले भी मैंने टेस्ट किया था। उस टाइम पे 20 सेकेंड के बाद ये सप्लाई कट हो जाते थे। और अभी इस टूल के थ्रू मैंने ये टेस्ट किया, मैंने गाड़ी में बैठा 2-3 मिनट तक अच्छे से लॉक करके, फुल्ली लॉक्ड होके, उसके बाद ऑटो कट ऑफ का एक बीप आता है, वो कट सा उसका आवाज़ आता है, उसके बाद भी मैं बैठा रहा 3 मिनट तक, उसको वेट किया 3 मिनट के बाद मैंने ये कंटिन्यूटी टेस्ट किया, उसके बाद देखा कि एसेसरी सेक्शन में सप्लाई आ गए हैं। कहने का मतलब कि XUV 700 में ऐसा हम लोग रिलाय करते थे कि हम गाड़ी छोड़ के चले भी जाएँ तो पूरी सारी लाइट्स ऑफ हो जाएगा, सारे सप्लाई कट हो जाएगा, कहीं पर शॉर्ट सर्किट होने का कुछ डाउट नहीं था, पर्सनली मेरे माइंड में ऐसा रहता था। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है, अभी इस अपडेट के कारण जो कुछ भी ट्विकिंग किया गया है उससे कहीं ना कहीं इश्यूज भी आए हैं, और इश्यूज के वजह से अभी सप्लाई ऑन रहता है। BMS का जो है ये बेसिकली एम्बेडेड के अंदर आता है, तो एम्बेडेड के अंदर आपका SoCs जो डेवलप होते हैं, जो बनाए जाते हैं चिप के अंदर, कितना पावर किधर जाएगा वो पूरा पावर मैनेजमेंट होता है उसको। इन शॉर्ट इसमें आप इस पर्टिकुलर कार के लिए आप BMS बोल सकते हैं, बैटरी मैनेजमेंट सर्विस। सो बैटरी मैनेजमेंट इफिशियंट नहीं है, कंपनी को ये ठीक करना पड़ेगा तभी इसका बैटरी का इशू सॉल्व होगा। बाकी जितने भी हमने तरीके बताए हैं वो सारे वर्क अराउंड है, जैसे इसके अंदर जो आपका बैटरी चेंज कर दीजिए, जो लग्जरी कार में आती है वो बैटरी लगा लीजिए, वो सब वर्क अराउंड है डेफिनेटली, क्योंकि बैटरी ड्रेन तो तभी भी होगी, आप बहुत हाई पावर की बैटरी लगाएंगे तो भी आपकी बैटरी ड्रेन तो हो ही रही है, तो उसको कैसे प्रिजर्व किया जाए इसके लिए सॉफ्टवेयर सेक्शन को इसके ऊपर स्ट्रेस करना पड़ेगा थोड़ा सा। और अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताता हूँ कि अब आप बोलेंगे कि अगर इतने सारे बैटरी के इशू है, पावर सप्लाई बराबर नहीं है, तो क्यों नहीं डिस्प्ले को ऑफ कर दिया जाए, तो इसके रिलेटेड बहुत ही सीक्रेट बहुत, तो इस गाड़ी में ऐसा क्या अलग है, क्या इसका आर्किटेक्चर है, क्या सब कुछ है, मैं आपको आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली बताने वाला हूं। और जितने भी तरीके का प्रॉब्लम्स है, हर एक प्रॉब्लम का गुड न्यूज़ ये है कि सॉल्यूशन है, और मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं। सो गाइस ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपके बैटरी ड्रेन से रिलेटेड था, जो हमने फाइंड आउट किया। मुझे आशा है आज का ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव होगा, अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।